स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी रिविजन फॉर इवोल्यूशन टू क्वेश्चन टू मार्क राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो हियर आई विल रिपीट ऑल दिस राइट और रॉन्ग वन बाय वन विथ द करेक्ट आंसर. ओके एंड इवन वेर एवर इट विल कम रॉन्ग दैट ऑल्सो आई विल टेल यू दैट व्हाई इट इज रॉन्ग राइट. सो फर्स्ट आई विल बिगिन विथ वन नंबर. नन्ही मिन्नी को दादी की बड़ी याद आ रही थी. दादी की नहीं किसकी याद आ रही थी, नानी की याद आ रही थी. इसलिए फर्स्ट नंबर वाला जो आंसर है उसमें क्या आएगा, रॉन्ग. सही आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दादी की जगह नानी अगर होता तो आपको क्या होता, वहाँ पे आंसर राइट होता. लेकिन यहाँ पे अभी दादी लिखा है इसलिए यहाँ पे गलत का निशान लगाना है. सेकेंड नंबर, चीता दौड़ते समय पत्थर से टकराकर गिर गया. फिर से दोहरा रही हूँ, चीता दौड़ते समय पत्थर से टकराकर गिर गया. कौन टकराकर गिर गया था, चीता नहीं, कौन से गिर गया था, बारहसिंगा. इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, गलत इस निशान लगाई है. क्या आएगा किधर, अगर बारहसिंगा लो लिखा होता तो ये जवाब राइट होता. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, चीता लिखा है. बारहसिंगा पत्थर से टकरा कर गिर गया था, चीता नहीं गिर गया था. नानी ने विन्नी के लिए एक लड्डू मंगवा कर रखा था. फिर से दोहरा रही हूँ, नानी ने विन्नी के लिए एक लड्डू मंगवा कर रखा था. रॉन्ग, क्या रखा था, गुड्डा गुड्डी मंगवा कर रखे थे. नानी की कहानियों में अच्छी सीख थी. सही जवाब है, नानी की कहानियों में अच्छी सीख थी. एक पीपल के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई. फिर से दोहरा रही हूँ, एक पीपल के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई. कहाँ से दौड़ शुरू हुई थी, पीपल के पेड़ से नहीं, या फिर किसके, आम के पेड़ से, नो, नीम के पेड़ से. कहाँ से, एक नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई. अगर ये होता तो सही आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल लिखा है, इसलिए रॉन्ग. पीपल की जगह अगर नीम लिखा होता तो सही जवाब होता. बारहसिंगे को हारने का दुख नहीं था. फिर से दोहरा रही हूँ, बारहसिंगे को हारने का दुख नहीं था. राइट, उसको दुख नहीं था. अभी ये फिर से मैं वन बाय वन करके सब आंसर बोलूंगी. नन्ही विन्नी को दादी की बड़ी याद आ रही थी, रॉन्ग. चीता दौड़ते समय पत्थर से टकरा कर गिर गया, रॉन्ग. नानी ने विन्नी के लिए एक लड्डू मंगवा कर रखा था, रॉन्ग. नानी की कहानियों में अच्छी सीख थी, राइट. एक पीपल के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई, रॉन्ग. बारहसिंगे को हारने का दुख नहीं था, राइट. सो क्वेश्चन नंबर टू, मार्क राइट और रॉन्ग इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज कंप्लीटेड. थैंक यू. स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी रिविजन फॉर इवोल्यूशन टू क्वेश्चन थ्री, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द सिनोनिम्स. सो हियर इन द ब्रैकेट आंसर इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट एंड वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. ओके, हियर ब्लैंक्स आई एम डूइंग, सो देन वी हैव टू राइट द आंसर. मंगल का सिनोनिम होता है शुभ. क्या लिखेंगे हम, शुभ. हरदम, हरदम का सिनोनिम होता है हमेशा. हम में, ठीक है. तारीफ, तारीफ का समान से सिनोनिम होता है शाबाशी.
चिट्ठी, चिट्ठी का सिनोनिम होता है पत्र। प्रथम का समानार्थी होता है सॉरी सिनोनिम होता है पहला। और सुझाव का सिनोनिम होता है सलाह। सलाह अंडरस्टैंड। सो फिर से मैं दोहरा रही हूँ, मंगल का समानार्थी सिनोनिम होता है शुभ। हरदम का सिनोनिम होता है हमेशा। तारीफ का सिनोनिम होता है शाबाशी। चिट्ठी का सिनोनिम होता है पत्र। प्रथम का सिनोनिम होता है पहला। सुझाव का सिनोनिम होता है सलाह। फिल टेंस विद के और को, मतलब कि के और को यूज करके हमें ये जो ब्लैंक्स दी है वो फिल करनी है। पेड़ के पास, पेड़ के पास। गिद्धड़ खाली जगह बुलाया, गिद्धड़ को बुलाया, गिद्धड़ के बुलाया नहीं होता, गिद्धड़ को बुलाया। चित्ते के साथ बारह सिंगा को उठाया। बारह सिंगा को आएगा, के नहीं आएगा। बारह सिंगा को उठाया। दौड़ के लिए तैयार, दौड़ के लिए तैयार। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। फिर से मैं ये सब रिपीट करूंगी। पेड़ के पास गिद्धड़ को बुलाया। चीते के साथ बारह सिंगा को उठाया। दौड़ के लिए तैयार, उससे जैसे को तैसा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द करेक्ट सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना, वैसे ही हमें इसमें भी करना है। जैसे कि छुट्टी थी जंगल में, तो कैसा आंसर आएगा? जंगल में छुट्टी थी, तो कैसे लिखना हमें? पहले इधर से देख लेते हैं, जंगल, तो जंगल में छुट्टी थी। सच्चा मित्र मिल गया उसे, उसे सच्चा मित्र मिल गया। क्या आंसर आएगा? उसे सच्चा मित्र मिल गया। बारह सिंगा तड़प रहा था दर्द से, तो क्या है आंसर? दर्द से बारह सिंगा तड़प रहा था। जानवर बैठे थे जंगली, जंगली जानवर बैठे थे। रविवार था दिन उस दिन रविवार था, उस दिन रविवार था। गायक मित्र मेरा है, मेरा मित्र गायल है। अभी मैं फिर से ये सब सेंटेंसेस रीड करूंगी। जंगल में छुट्टी थी, उसे सच्चा मित्र मिल गया। दर्द
जंगली जानवर बैठे थे। उस दिन रविवार था। मेरा मित्र दयालु है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 कंप्लीटेड। थैंक यू। स्टैंडर्ड 2 हिंदी रिवीजन फॉर इवोल्यूशन 2 क्वेश्चन 6A सर्कल द वर्ड। हियर देयर आर 3 वर्ड्स गिवन हियर, सो वी हैव टू सर्कल द करेक्ट वर्ड। इट इज प्यार, पयार और पैया। सो करेक्ट आंसर इज प्यार। सेकेंड, भई, भैया और भैया। सो करेक्ट आंसर इज भैया। सो उसके ऊपर हमने गुलाबा लगाया है। इंतजार, इंतजार, इंतजार और इंतजार। सो करेक्ट आंसर विल कम हियर। इंतजार इज गिवन एंड हियर इट इज इंतजार। सो करेक्ट आंसर इज इंतजार। इधर डॉट ने किया है इंतजार, इंतजार, इंतजार और इंतजार। तो दिस इज द राइट आंसर। राखी, राखी या राखी, तो ऐसे राखी जो सही है। सर्कल द वर्ड, सर्कल द करेक्ट नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। ओके, नाउन मीन्स पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ओके, सो हियर अंशुल भी तैयार हो गया। अंशुल इज अ नेम ऑफ बॉय, राइट? सो इज अ पर्सन, सो वी विल डू सर्कल हियर। सो हियर सर्कल है डन। नाउ सेकेंड, मुनमुन की खुशियों का ठिकाना नहीं था। तो इसमें मुनमुन जो दिया है वर्ड वो क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो मुनमुन लड़की का नाम है। लड़की मतलब गर्ल, राइट? पर्सन। सो सर्कल। नन्ही यूनी को दादी की बड़ी याद आ रही थी। विनी, विनी कौन है? लड़की है मतलब पर्सन। सो उसके ऊपर हमने सर्कल किया। दादी, दादी भी पर्सन है इसलिए हमने इसके ऊपर सर्कल किया। पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल आर नाउंस। नाउन मीन्स संज्ञा। अगेन आई एम रिपीटिंग। सो विनी भी संज्ञा है, दादी भी संज्ञा है इस वाक्य में। ना उसे अपने भैया का इंतजार था। उससे अपने भैया का इंतजार था, उसमें क्या है? तो भैया क्या है? संज्ञा है। भैया कौन है? लड़का होगा, राइट? तो वो भी कौन है? पर्सन है इसलिए हमने इसके ऊपर क्या किया? गुलाब किया। सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 6A and B अंडरस्टैंड। सो हियर रिवीजन ऑफ इवोल्यूशन 2 हिंदी कंप्लीटेड। थैंक यू।